सो वेलकम गाइस अगेन। और आज का टॉपिक है ब्लड डोनेशन के ऊपर, जो कि बेस है ब्लड बैंक का। क्योंकि जब तक हम ब्लड किसी को डोनेट ना करें ब्लड बैंक को, तो वो ट्रांसफ्यूज कैसे करेगा किसी को। तो जनरली देखा जाता है कि एक फीमेल के पास ऐसी कैपेसिटी उसको नेचर देती है कि वो किसी नई लाइफ को जन्म दे सकती है। बट अ मेल कैन ऑल्सो गिव न्यू लाइफ और रीबर्थ बाय डोनेशन। तो डोनेशन हम क्यों करते हैं? जैसे कि एक्सीडेंट या इंजरी होगी तो उस केस में हम डोनेशन कर सकते हैं ब्लड बैंक को। देन सर्जरी, कोई मेजर सर्जरी किसी की, ब्लड डिसऑर्डर, लुकीमिया पेशेंट के लिए बहुत जरूरी होता है, जो कि उनको अपने हफ्ते में या 2 हफ्ते के बीच में ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है ब्लड। फिर एक और चीज है कि प्री मेच्योर बेबी बॉर्न, यानी कि कोई बेबी अपने जन्म से पहले अगर जन्म ले रहा है तो उसमें एनीमिया की कमी होती है मोस्ट केसेस में, तो उसको क्योर करने के लिए हम डोनेट करते हैं ब्लड। अब एडवांटेज ऑफ ब्लड डोनेशन। सो कि डोनेशन के एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। सो आयरन होता है जो ब्लड में, HB आयरन से मिलकर बना होता है, सो आयरन रिमूव हो रहा है। अगर वो बॉडी में ज्यादा हो जाए आयरन, तो हार्ट में बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाएगा वो। उसको रिमूव करने के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है ब्लड डोनेशन। देन है कि फ्री में हेल्थ चेकअप हो रहा है एक पेशेंट का ना, HB पता लग रहा है उसको, कोई डिजीज तो नहीं है वो पता चल जा रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनर सेटिस्फेक्शन। यार जब किसी की लाइफ बच रही है तो जो आपको अच्छा जो महसूस हो रहा है, वो मतलब वो किसी किसी भी चीज से मिलने नहीं वाला। देन आर टाइप्स ऑफ ब्लड डोनर। सो वॉलंटरी डोनर, रिप्लेसमेंट डोनर, ऑटोलोगस ब्लड डोनर, देन एफरेसिस डोनर, प्रोफेशनल डोनर। वॉलंटरी डोनर मोस्टली हम आप लोगों में से होते हैं वो, जो कि डोनेट करते हैं ब्लड विद देयर ऑन ड्यू टू मैनकाइंड। सो उसको कोई मजबूरी नहीं होती, वो अपनी खुशी के लिए और दूसरों की हेल्प के लिए डोनेट करते हैं, वो होते हैं वॉलंटरी डोनर। देन रिप्लेसमेंट डोनर, वो पेशेंट के फैमिली से ही होते हैं, ठीक है, डोनर फ्रॉम पेशेंट फैमिली और रिलेशन, उसके रिलेशन से। तो जैसे मैं बीमार हुआ तो मेरे को फैमिली मेंबर ब्लड बैंक को दे रहा है एक यूनिट, देन वहां से मुझे ट्रांसफ्यूज हो रही है वो। ऑटोलोगस ब्लड डोनर, डोनर दैट डोनेट फॉर सेल्फ। तो ये ऐसे डोनर जो खुद के लिए डोनेट करते हैं, यानी कि जैसे मेरी सर्जरी होनी 15-20 दिनों में, तो मैं ब्लड बैंक को जाके डोनेट कराऊंगा कि ये मेरा ब्लड है और मेरी सर्जरी होनी है तब मुझे चाहिए होगा ये। सो उस केस में इसमें क्या होता है कि रिड्यूस करता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, क्योंकि मेरी वो ब्लड सेल है तो फॉरन पार्टिंग की तरह अपनी मेरी बॉडी उसको नहीं लेगी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है सर्जरी केस में। देन एफरेसिस डोनर, डोनेट ब्लड कंपोनेंट नॉट होल ब्लड। सो ये ऐसे डोनर होते हैं जो कि ब्लड का किसी एक कॉम्पोनेंट को देते हैं, जैसे कि प्लेटलेट हो गए, प्लाज्मा हो गए, सो दैट इसमें दोनों को फायदा है। एक तो पेशेंट को ये कि उसको ज्यादा उसको जो पार्ट चाहिए, जैसे प्लेटलेट चाहिए तो प्लेटलेट ही मिलेंगे उसको, है ना, अदरवाइज उसकी जो बॉडी में क्या होगा, ज्यादा खून चला जाएगा जितना चाहिए नहीं होगा। दूसरा मेरे को कि मेरे को नुकसान हो यार, किसको चाहिए नहीं वो, जब तो मैं जैसे किसको प्लेटलेट चाहिए तो मैं ओनली प्लेटलेट दे। तो मशीन से होता है ये पूरा प्रोसीजर, इसमें होल ब्लड डोनेट नहीं करते हैं। देन अ प्रोफेशनल डोनर, जो कि एक पेड डोनर होता है या चार्ज करता है ब्लड के, ब्लड डोनेट करने के लिए। इस वक्त ये बिल्कुल नहीं होते, पहले बहुत ट्रेंड हुआ करता था। देन प्रोसीजर ऑफ ब्लड डोनेशन। सो ब्लड डोनेशन का जो प्रोसीजर होता है, एक तो प्री डोनेशन, कि डोनेशन से पहले क्या काम होता है, देन ड्यूरिंग ड्यूरेशन और पोस्ट ड्यूरेशन, यही हम देखने वाले हैं। सो प्री डोनेशन में क्या आता है, डोनर स्क्रीनिंग होती है जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि टाइप क्या डोनर का, पेड डोनर है, कौन सा डोनर है, पैसों चक्कर में तो नहीं आ रहा, ये किस तरीका है। तो रिकमेंडेड जो होता है वो होता है वॉलंटरी डोनर, कि एक आम बंदा आके ब्लड डोनेट कर जाए फॉर मैनकाइंड। अब एलिजिबिलिटी क्या डोनर, एक क्राइटेरिया सेट किया गया है जिसकी एज होनी चाहिए 18 to 16 ईयर, वेट उसका 45 किलो से ज्यादा होनी चाहिए अगर वो 350 ml ब्लड डोनेट कर रहा है, और 60 kg से अबव होनी चाहिए अगर वो 450 ml ब्लड डोनेट कर रहा है। टेम्परेचर यानी कि 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट में। पल्सिस 60 to 90 beats per minute होनी चाहिए, कोई इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अभी 60 आ रहा है देन फिर 120 आ रहा है, तो ऐसे नहीं, मिनिमम उसमें रेंज के अंदर होना चाहिए। देन BP 120 to 80, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। देन HB नॉट लेस देन 12.5 g/dL, तो ये यार बात याद रखने वाली है। देन डेफरल क्राइटेरिया, यानी कि ऐसे कि किन केसेस में जो डोनेट नहीं कर सकता कोई बंदा। सो लाइफ टाइम कौन सा बंदा डोनेट नहीं कर सकता, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जिसमें, ठीक है, यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, तो वो यार किसको क्या डोनेट करेगा। देन कैंसर पेशेंट हो वो क्या डोनेट करेगा। देन अनकंट्रोल्ड BP हो जिसमें, डायबिटीज हो, इंसुलिन डिपेंडेंट, और मेंटल डिसऑर्डर हो गया, या कोई एलर्जी होगी, तो इन केस में लाइफ टाइम वो डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। 1 year before अगर किसी को डॉग बाइट हुआ हो, यानी रेबीज का वैक्सीन लिया हो किसी ने, और प्रेगनेंसी हो उसके,
या आफ्टर प्रेगनेंसी, यानी वो अपने बेबी को मिल्क पिला रही, लैक्टेशन पीरियड कहते हैं जिसको, उस केस में भी वो 1 ईयर अगर पहले हो रखा हो तो नहीं ब्रीड कर सकता। 6 मंथ बिफोर अगर किसी की सर्जरी हुई है मेजर, कोई टैटू वगैरह, या किसी ने अपने ईयर या नोज में कोई प्रिक करवाया हो सो दैट ज्वेलरी पहने, वो उस केस में भी अवॉइड करते हैं सो दैट कोई इन्फेक्शन ना हो उसको। देन 3 मंथ बिफोर, अगर 3 महीने पहले किसी कोई मलेरिया हुआ था उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है याद रखने वाली कि गैप होना चाहिए 3 मंथ पहले ब्लड डोनेशन, प्रीवियस ब्लड डोनेशन से गैप होनी चाहिए 3 मंथ तक। 1 मंथ बिफोर कोई टाइप की इम्यूनाइजेशन ली हो, यानी वैक्सीन ली हो कोई, ठीक है। देन 1 वीक बिफोर फीमेल के लिए मेनली है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड होते हैं वो ना हो उनको 1 वीक पहले, क्योंकि उसमें बहुत अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है सो दैट कि उनकी बॉडी में मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड हो तभी वो डोनेट करें। 72 आवर बिफोर, यानी 72 घंटे पहले कोई दांत ना निकाला गया या एस्प्रिन रिलेटेड कंपाउंड ना लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ये एस्प्रिन रिलेटेड, क्योंकि एस्प्रिन का क्या काम होती है, ये प्लेटलेट को खराब कर देती है, ठीक है। 48 आवर बिफोर कोई मेडिकेशन लियो, कोई भी सिंपल तरह की कोई एंटीबायोटिक लियो फीवर फूवर की, तो वो भी रूल आउट कर दिया जाता है। और 24 आवर बिफोर कोई किसी ने अल्कोहल ली हो तो वो भी रिमूव कर दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल से क्या होता है डिहाइड्रेशन होती है, बॉडी में पानी कमी होगी और बाद में कल उसने डोनेट करना ब्लड सो और भी पानी कमी हो सकती है, इसलिए वो भी रिमूव कर जाता है। देन डोनर रजिस्ट्रेशन होती है, डोनर का नाम, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, फादर हस्बैंड नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, सेक्स फीमेल है फीमेल है, देन एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ लास्ट डोनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि, और उसका ब्लड ग्रुप अगर उसे पता हो तो। अब है ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन। सो ब्लड कलेक्शन एक सिंपल फ्लेबोटोमी तरह होता है, यानी जिस तरह हम एक सिंपल अपना ब्लड लेते हैं ना पेशेंट का सिर से, वैसे ही ब्लड इसमें डायरेक्ट निडल पुट करते हैं हम पेशेंट की वेन में, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है, बाकी सिंपल फ्लेबोटोमी तरह ही होता काम। सो कि मेंटली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए जिस हम डोनर का ब्लड ले रहे हैं, तो उसको एकदम बातचीत करके उसको कूल डाउन करो और उसे एनकरेज करो कि वो ब्लड डोनेट कर रहा है। देन नेवर टच वेन आफ्टर डिसइनफेक्ट। सो इंडिया में जो ट्रेंड होता है आपने मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल देखा होगा कि पहले डिसइनफेक्ट किया उसके बाद वेन में हाथ लगा के देखा, तो ये बिल्कुल नहीं करना यार ड्यूरिंग ये अपना ब्लड डोनेशन के टाइम पे, ठीक है। और यूजली हम 16 गॉज की निडल यूज करते हैं, पर आप 16 टू 18 गॉज निडल यूजली हम 16 गॉज निडल यूज करते हैं इसमें, ठीक है। स्टॉप कलेक्शन इमिडिएटली इफ डोनर फील अनकंफर्टेबल और हेमाटोमा एट पंचर साइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार इस केस में ब्लड डोनेशन की, कि आप पेशेंट को रिलीव करके चले जाओ कहीं पे, उसके साथ रहना पड़ेगा, और जैसे कोई अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उसे और आप देख रहे हो कि उसकी वेन की साइड में हेमाटोमा बन रहा है, यानी ब्लड बाहर आपको दिख रहा है कि आ रहा है, उस केस में इमिडिएटली हमें ब्लड लेना उसका बंद करना पड़ेगा, ठीक है। प्लेस ब्लड बैग एट द 2 टू 6 डिग्री सेल्सियस और गिव रेस्ट 15 टू 20 मिनट आफ्टर फ्लेबोटोमी। सो पेशेंट जो अपना डोनर है उसको हमें रेस्ट भी देना है। अब टेस्टिंग ऑफ ब्लड। सो जो हमने ब्लड दिया उसकी टेस्टिंग भी होती है, ठीक है, जिसमें हम मेनली जो हमारा काम होता है ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेबल रिएक्शन TTI जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें जो ब्लड से ट्रांसमिट हो सकती है बीमारियां उसको डिटेक्ट करते हैं, जिसमें जो 6 है वो मोस्ट कॉमन है HIV, HIV2, हेपेटाइटिस बी सी, VDRL, मलेरिया। और अगर किसी जब नॉर्मल बंदा है तो उसमें नॉन रिएक्टिव होगा तो वो सेफ है ब्लड किसी को भी ट्रांसफ्यूज करने के लिए, चाहे होल ब्लड हो या उसके कंपोनेंट। अगर वो आए रिएक्टिव यानी अब नॉर्मल पेशेंट के अंदर कोई डोनर के अंदर कोई दिक्कत है तो इन्फॉर्म करते डोनर को। उसके पोस्ट डोनेशन में क्या होता है, गिव हेल्थी रिफ्रेशमेंट टू डोनर। सो उस पेशेंट को हम जो डोनर है उसको हम कोई रिफ्रेशमेंट देते हैं, देन इंस्ट्रक्ट टू द डोनर कि भाई वो डू नॉट राइड फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, अगले 1 घंटे तक वो कोई व्हीकल वगैरह ना चलाए, इनटेक मोर फ्लूड, उसके जो हम ब्लड लिया है 350 ml या 450 ml तो उसको कंपनसेट कर सके, ताकि उसकी वजह से हम उसके अपना कोई जूस हो गया पानी वगैरह, डू नॉट ड्रिंक फॉर नेक्स्ट 24 आवर। सो उसको दारू नहीं पीनी अल्कोहल अगले 24 घंटे तक, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पहले ब्लड की कमी है तो और हो जाएगी। इफ फीलिंग फेंट और डिजीनेस लाई डाउन एंड इफ स्टिल नॉट क्योर गो नियर बाय डॉक्टर। और अगर पेशेंट को थोड़ा चक्कर से या अजीब सा महसूस हो रहा है तो उसको सो जाना चाहिए जमीन पे एकदम लेट के, देन उसके जो थोड़े पैर हैं वो ऊपर को होने चाहिए, ठीक है, पूरा स्ट्रेट ना हो थोड़े से ऊपर हो, और अगर फिर भी ठीक ना हो कुछ देर में तो नियर बाय डॉक्टर पास जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एनकरेज करना है डोनर को भाई कि आपने बहुत अच्छा चीज किया, ये मतलब वैल्यूएबल गिफ्ट दिया किसी को, तो एनकरेज करना चाहिए डोनर को ताकि वो दोबारा फिर डोनेट करे।
अब व्हाट इज डन फॉर रिएक्टिव डोनर। मान लो अभी पीछे हमने बताया कि हमने लैब में जाके टेस्ट किया, उसमें हमें कुछ तो हमें कोई डिजीज डिटेक्ट होगी, तो उस केस में क्या करना है। सो इफ डोनर फाउंड रिएक्टिव फॉर द ब्लड ट्रांसफर रिएक्शन, डुप्लीकेट टेस्ट फॉर कंफर्मिंग। सबसे पहले हमें टेस्ट को डुप्लीकेट करना है, यानी कि रिपीट करना है, या फिर एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ठीक है, तो हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं उसका। दूसरा, रिपोर्ट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, ओनली इन्फॉर्म टू पेशेंट। सो ये रिपोर्ट जैसे एच आई वी पेशेंट है, अगर किसी लड़की ने दिया है, कोई लड़के ने दिया, तो आप जनरली आपस में बात ना करो भाई आपका एच आई वी पॉजिटिव है। सो इन्फॉर्म करना है ओनली पेशेंट को, पूरा एकदम गुप्त तरीके से। देन इन्वाइट देम फॉर फर्दर टेस्टिंग और रेफर टू मेडिकल एक्सपर्ट फॉर दिस टाइप ऑफ इन्फेक्शन। फिर आप उसे इन्वाइट भी कर सकते हो कि यार आओ आपका और टेस्ट करेंगे हम इसके रिगार्डिंग, या फिर आप उसको डायरेक्ट किसी रेफरेंस दे सकते हो किसी मेडिकल एक्सपर्ट का जो कि इन डिजीज में काम करता हो। अब है ब्लड कलेक्शन बैग्स के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। सो जो हमारे ब्लड बैग होते हैं, पिछली वीडियो मैंने बताया था कि एंटीकोगुलेंट होता है उसके अंदर। सो ब्लड बैग मेड अप ऑफ पीवीसी शीट्स, पीवीसी पीवीसी पाइप को आपने सुनी होगी, ठीक है, व्हाइट कलर की प्लास्टिक की पाइप होती है पीवीसी पाइप, जो कि पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी होती है, उसी की शीट से हम ब्लड बैग बनाते हैं, क्यों, वो उसको स्ट्रेंथ देते हैं, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ बैग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिंगल बैग होता है, डबल बैग होता है, ट्रिपल बैग एंड क्वाड बैग। सिंगल बैग यूज फॉर होल ब्लड कलेक्शन, कॉमनली यूज होता है, सीपीडी एंटीकोगुलेंट होता है इसमें, सीपीडी वन मेनली। 49 ml सीपीडी लेते हैं 350 के लिए, और 63 ml सीपीडी लेते हैं 450 ml ऑफ ब्लड। सो जिसने यार एंटीकोगुलेंट की वीडियो नहीं देखी, जो एंटीकोगुलेंट ब्लड बैंक यूज होते हैं वो देख सकते हैं चैनल पे जाके। देन आता है हमारे पास डबल बैग, डबल बैग में सेम सिंगल बैग की तरह डबल बैग होता है, अभी आगे आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा इसकी। सो फोर होल ब्लड एज वेल एज सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट, तो दो का मतलब इसलिए कि या तो पूरा ब्लड ले लो एक में, या फिर आधा उसमें ट्रांसफर कर दो, यानी उसके कॉम्पोनेंट। सो जो एक बैग होता है वो आरबीसी के लिए होता है, दूसरा बैग हम यूज करते हैं प्लाज्मा के लिए, और जो सेपरेशन मेथड होता है सेंट्रीफ्यूज से होता है, ठीक है। देन ट्रिपल बैग फॉर होल ब्लड एज वेल एज सेपरेशन ऑफ ब्लड कॉम्पोनेंट, तो ये भी या तो पूरा ब्लड या उसके कंपोनेंट को अलग अलग सेपरेशन के लिए होता है। सो एक हम आरबीसी के लिए यूज करते हैं, सेकंड प्लाज्मा के लिए, थर्ड प्लेटलेट्स के लिए। दूसरा था क्वाड बैग, इसमें चार बैग यूज होते हैं हमें, सेम होल ब्लड के लिए, या फिर सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, जैसे कि आरबीसी, सेकंड प्लाज्मा, थर्ड प्लेटलेट। फर्क क्या आता है ट्रिपल बैग और क्वाड बैग में, तो ये प्लेटलेट होते हैं, इसे हम बाय बफीकोट मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है, जो कि फिल्टर की हेल्प से किए जाते हैं, जिसमें हम WBC अपने ल्यूकोसाइट रिमूव कर देते हैं, ठीक है, बहुत रेयर कंडीशन में पर करते हैं ये। अब ये आया पिक्चर, ठीक है। सो सिंगल बैग आप यहां तक देखो कि इसमें एक्स्ट्रा कोई बैग नहीं लगेंगे, तीनों जस्ट एक सिंगल बैग है, ऐसे इतना ये पूरा सिंगल बैग है। इसके साथ अगर दो बैग जुड़ गए, यानी एक एक पाइप और जाके जुड़ गई इसमें, तो ये डबल बैग हो जाता है। और जो पहला बैग होता है उसे प्राइमरी कहते हैं, जो उसके साथ जितने भी बैग होते हैं, सेटेलाइट वन बैग, सेटेलाइट टू बैग, सेटेलाइट थ्री बैग, तो बाकी का नाम सेटेलाइट होता है, 1 2 3 करके, और जो मेन होता है वो प्राइमरी बैग कहलाता है। सो ये एक पिक्चर होती है ऐसी, इसके अंदर ब्लड भरा जाता है, और जनरली मेरे को लगता है सबने देखा होगा यार ब्लड बैग तो, पर जो डबल बैग है, ट्रिपल बैग और क्वाड बैग है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरह की इमेज होती है उसकी।